हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम जब हमारा डिस्प्ले होता है हम यहाँ पे रख नहीं सकते उनको, तो फिर आर्ट का मतलब क्या हुआ सर? फिर यहाँ से डायरेक्टर से आते हैं हमारे कमरे लिए जाते हैं, हम बार बार उनको बोलते हैं कि हम आपको आधा फ्लोर लेते हैं, उन्होंने ले लिया, फिर आके आपकी बार उन्होंने पूरा फ्लोर लेने की कोशिश करी है, ठीक है, तो फिर तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इसका मतलब राजस्थान में एकमात्र कॉलेज के मतलब कॉलेज को निकाल दो, पूरा आर्ट को खत्म कर रहे हैं हम, हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं और अपने आर्ट के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम फैकल्टी के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे 5 फैकल्टी के अलावा एक भी ऐसी फैकल्टी नहीं है जो हमको पढ़ा सके, क्योंकि एमए की हुई है, हमको एमए की नहीं एमबीए की, जो हमारी डिग्री है, जो आर्ट की डिग्री प्रोफेशनल डिग्री है वो यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनको लाइन तक खींचना नहीं आता, वो क्या पढ़ाएगा, ठीक है ना? तो हमारी यही है कि हमको हमारे टीचर वापस दो, मतलब हमारे वैकेंसी निकालो, ताकि यहाँ पे टीचर चाहिए, हमको 18 टीचर जितना आ सकता है वो टीचर चाहिए, और हमारी बिल्डिंग चाहिए जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो पहले हमारी किसान कॉलेज में वही, और हमारा कुछ भी नहीं, किसी को दो ही मांगे हैं, बस दो मांगे और कुछ भी नहीं है, और तो अंदर की मांगे वो देखो काफी बार हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, शिक्षा मंत्री यहाँ थोड़ी है, मंत्री के जाओ वहाँ मंगले पर सबके नियम के ऊपर ही प्रेशर है, ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट हमारा ये की हम सीएम तक मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, मानते हो फिर हाथ में नहीं है तो फिर यहाँ धरना धरने की तो परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे कॉलेज में लौट चाहे सर, ऐसी बात है हम तो सर नारेबाजी तो होती है हमको, हम किसी को कुछ भी जाने नहीं पहुँचाएंगे, हमारा जो है टीचर्स के लिए कर रहे हैं, टीचर को लाने के लिए कर रहे हैं और तो फालतू टीचर को निकालने के लिए कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, ये बताया कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, प्रिंसिपल सर मैं बता दूं सर इनके हाथ में क्या, हमारा अधिकारी तो वैसे ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, डिपार्टमेंट वही बैठे हैं ना, और ये कोई बात पहुंचाता नहीं आगे तब तक कहां जाएगी, तो हम बार बार इनको लेटर दे चुके, पहुंचा चुके हैं इनको, तो आगे तक पहुंचाते ही नहीं है, और मना करते हैं इनके ऊपर प्रेशर होगा, हमको क्या पता, लेकिन सुनते ही नहीं, तुम क्या करें बताइए, तो हमको तो कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हर साल से 250 स्टूडेंट निकल रहे हैं, भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का, इसका मतलब आर्टिकल खत्म कर दो, तो ऐसी बात है, तो हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, हम किसी को ना किसी का नुकसान कर रहे हैं, ना तोड़ फोड़ मात्र कॉलेज सर यही है, उसका फोन चूस लिया टीचरों ने, हाँ अरे आओ तो सही, मर्डर कर दिया उसको, आओ आओ किसका पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।